भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का ये मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज 1,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्य और आश्चर्य कर देने वाली चीजें हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन आज के वीडियो में हम भगवान तिरुपति बालाजी से जुड़ी उस कहानी को जानेंगे जिसके वजह से भगवान यहाँ स्वयं विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत में जब भगवान आदि वराह पृथ्वी को छोड़कर वैकुंठ अपने धाम चले जाते हैं, जिसके वजह से भगवान ब्रह्मा चिंतित थे और उन्होंने नारद मुनि से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का एक अवतार पृथ्वी पर हो। इसके बाद नारद मुनि गंगा तट पर जाते हैं, जहाँ पर ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में से कौन देगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षा करके विचार करने को कहा, जिसके बाद ऋषि भृगु प्रत्येक भगवान के पास गए और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा और शिव के पास वो गए तो दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वो भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु की पैरों की मालिश की और पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, जिसके वजह से ऋषि भृगु को यह पता चल चुका था कि उनके यज्ञ का फल भगवान विष्णु ही देंगे। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना से माता लक्ष्मी काफी ज्यादा क्रोधित थी। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुर, जिसे अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाकर ध्यान करने लगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी को खोजने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को नहीं खोज पा रहे थे। परेशान होकर भगवान विष्णु जी एक पर्वत की चोटी पर आश्रय और विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया, इसलिए वो गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें सत्तारूढ़ राजा को सौंप दिया, लेकिन वो गाय सिर्फ श्रीनिवासन को ही दूध देती थी, जिसके कारण चरवाहों ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवासन ने चरवाहों पर हमला करके गाय को बचाया। इन सारी चीजों से क्रोधित होकर श्रीनिवासन ने चौल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवासन ने कहा, राजा को इस श्राप से मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवासन से कराएंगे। माना जाता है कि जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु जी का सामना किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक दूसरे में विलीन हो गए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और शिव प्रकट हुए और इस अवतार के अवतरित होने का उद्देश्य बताया। उन्होंने बताया कि कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप में तिरुमति माला पर्वत पर स्थापित किया है, जिसे पूरा विश्व तिरुपति बालाजी के नाम से जानता है।